दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोगों को जश्न रास नहीं आया। इसी बीच महरौली विधानसभा सीट जीतने के बाद आप विधायक नरेश यादव की जश्न रैली के काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें अशोक मान की सरेआम हत्या कर दी गई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक जांच में सामने आया है कि एक ही हमलावर था। हमलावर ने मृतक अशोक मान को टारगेट बनाकर गोलियां चलाई थी। करीब 8 से ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई है, जिसमें 5 गोली मृतक अशोक को लगी है, जबकि 2 गोली घायल हरेंद्र को लगी है। हमलावर ने पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाई है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नरेश यादव चुनाव में जीत के बाद मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। हमला उस वक्त हुआ जब उनका काफिला महिपालपुर की तरफ जा रहा था। यह हमला किशनगढ़ फोर्टिस चेक के पास हुआ। गौरतलब है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।